सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग इन दुशी स्टाइल को ताकि आपको मिलती रहे कम खर्च बनने वाली आसान और मज़ेदार रेसिपीज रोजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। वेलकम कहूँगी आप सबको कुकिंग इन दुशी स्टाइल में। आज की हमारी रेसिपी है गाजर के हलवे की। सर्दियाँ हों और हलवा ना बने, और वो भी गाजर का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर घर में हर तरह से, हर तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से गाजर का हलवा तैयार किया जाता है। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी जो कि इस रेसिपी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। जो आपको आसान लगे, अच्छी लगे, आप बना सकते हैं। गाजर 5 किलो ली है, पील ऑफ कर लिया, वॉश कर लिया और उसके बाद इसको कद्दूकश कर लिया। पैन में 5 किलो गाजर और इसके साथ शामिल कर रही हूँ 1.5 किलो दूध। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 5 किलो गाजर पैन में ऐड कर दी है और इसके साथ ही 1.5 किलो दूध शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं चीनी, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 कप, 2.5 कप शुगर हम इसमें ऐड करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है 5 किलो गाजर के लिए। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल मुनासिब मीठा इससे रहेगा। हल्का सा इसको मिक्स कर लें और इसको कुक होने रख दें। मीडियम हीट पे रखिएगा ताकि जितनी देर में दूध खुश्क हो, गाजर अच्छे से गल जाए। अब इसको कवर कर देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से दूध को बॉईल आ रहा है और इसी में गाजर जो है वो कुक होती रहेगी। हमने पानी ऐड नहीं करना है और अभी भी आपने देखा मैंने पानी ऐड नहीं किया, हमने इसको दूध में ही कुक कर लेना है। ठीक है जी, मिक्स कर लें थोड़ा गाजर को ऊपर नीचे करने के बाद। दोबारा से कवर करके रख दें ताकि ये अच्छे से गाजर जो है वो कुक हो जाए और गल जाए। वक्तन फवक्तन चम्मच चलाते रहें, चेक करते रहें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो चुका है और गाजर जो है काफ़ी नरम हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं, जो गाजर मेरे पास थी उसका कलर बहुत अच्छा रेड ब्राइट नहीं था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, रेड कलर नहीं आ रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह की गाजर आ जाती है जो कि कलर में बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको आगे जाके दूंगी जिससे कि आप गाजर के हलवे का बहुत खूबसूरत सा कलर जो है वो दिखा सकते हैं या ला सकते हैं। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 कप घी, ऑयल नहीं शामिल करना है, घी में ही इसको आप कुक करेंगे। चाहे आप देसी घी डाल लें या वनस्पति घी इसमें ऐड करें। अच्छा जी, यहाँ आपके साथ मैं टिप शेयर कर देती हूँ। जब तक कि ये दूध खुश्क होता है और गाजर हमारी भुन जाती है, आप देखें एकदम से कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो गाजर लेके आए हो उसका कलर बहुत अच्छा नहीं है, तो ओबियसली जब आप गाजर का हलवा बनाओगे उसका कलर ब्राइट होगा, खूबसूरत होगा, तभी वो अच्छा लगेगा, तभी उसको खाने को दिल करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक ऑप्शनल सी बात है, करना चाहे तो करें, अगर आपको इसी तरह से कलर चाहिए तो आप इसी तरह से भी रख सकते हैं। 1 to 2 ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप में आपने फूड कलर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे हम बिरयानी में कलर ऐड करते हैं या दूसरी कई चीज़ों में ऐड करते हैं, तो जो रेड फूड कलर है वो आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर देना है। तो एकदम से आपकी गाजरें जो है वो उनका कलर चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो एक टिप है, ट्रिक है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे कर रहे हैं गाजर की अच्छी सी भुनाई और इसको हमने इसी तरह से तेज आंच पे भूनते रहना है जब तक ये दूध मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता और घी जो है वो हमें नजर नहीं आना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको भुनाई करते जाना है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो गाजर है वो पैन के साथ लग ना जाए और जल ना जाए, क्योंकि हल्की सी भी अगर जल जाती है तो उसकी स्मेल आपको सारे गाजर के हलवे में से आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर खुशबू के लिए थोड़ा सा हमने ऐड किया है। और अगेन हम उसी तरह से इसकी भुनाई करते जाएंगे।
तकरीबन दूध खुश्क हो चुका है, गाजर का हलवा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया, और खोया आप घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से जो रेडीमेड होता है वो भी ला सकते हैं। मैंने आपके साथ खोए की रेसिपी शेयर की थी, और ये जो खोया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये भी होममेड है। आप सर्दियाँ स्टार्ट होते ही बहुत सारा खोया बना के फ्रीजर में रख सकते हैं, जब भी आपको चाहिए होगा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कप खोया इसमें ऐड किया है, आपकी मर्जी है आप जितना भी ऐड करना चाहें, क्योंकि जितना खोया आप ऐड करेंगे गाजर के हलवे का टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम भी ऐड कर सकते हैं। तो खोया ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल खोया इसमें नज़र ही नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जब दिखेगा नहीं तो फिर उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को कर देना है ऑफ, और ये हमारा गाजर का हलवा हो चुका है जबरदस्त सा रेडी। ठीक है जी, कलर आप देख सकते हैं खूबसूरत ब्राइट सा कलर है। स्टार्टिंग में आप देखें गाजर का कलर कैसा था, लेकिन हमने उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया और खूबसूरत सा कर दिया है। खोए के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। इसके अलावा उबले हुए अंडे हमेशा गाजर के हलवे के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, तो उबले हुए अंडे आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे छिले हुए बादाम। ठीक है, चॉप करके शामिल नहीं किए हैं, हाफ करके सेंटर से मैंने बादाम इसमें शामिल कर दिए हैं, और ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बिल्कुल मार्केट जैसा गाजर का हलवा खोए वाला तैयार हो चुका है। लास्ट ईयर जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी बिल्कुल चेंज रेसिपी थी, उसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल रही हूँ, वहाँ से आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर था। जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें तो हर तरीके से ट्राई करके देखिए कि कौन सी रेसिपी आपको सूट कर रही है और कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ और बहुत अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दो में याद। अल्लाह हाफिज़।